एबी न्यूज़ की टीम राष्ट्रीय कन्या इंटर कॉलेज पे है और कुछ ही समय में अब जो चुनाव हो रहा है वो समाप्त होने वाला है। ये लोग वोट डाल करके आए हैं, आइए हम लोग इनसे बात करें। क्या माहौल बन रहा है, कैसा रुझान है? माहौल देखिए, इस बार बहुत बदलाव का सब लोग जनता मूड में है, क्योंकि बार बार सरकार रहने सब लोग का मन उग चुका है और डबल इंजन की सरकार थी, सब लोग कह रहे हैं ट्रिपल इंजन की सरकार आएगी तो बहुत विकास होगा, लेकिन कोई भी नहीं, डबल इंजन की सरकार थी, विकास यहाँ बहुत फेल है और सब लोग जनता बदलाव के मूड में है। क्यों लग रहा है कि विकास फेल है? हाँ, विकास फेल है। क्या फेल दिखाई दिया? बहुत चीजें फेल, मच्छर है, बड़े बड़े मच्छर है, पानी नहीं मिल रहा है आपको, नाली नहीं बन रहा है, क्या दिक्कत है? पानी भर जाता है, बरसात हो 20 मिनट बरसात हो। कौन से मोहल्ले में रहते हैं आप? वार्ड नंबर 27 में, जटेपुर। अच्छा, तो यहाँ पे पानी जल जमाव बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा जमा है, इनके घर में घुस जाता है। क्या बोल रहे हैं? नालियाँ सब भरी हुई है, उसमें कीड़े दिखाई देते हैं, नाली की सफाई नहीं है। तो जो भी आपके यहाँ के पार्षद रहे, तो कभी उनसे आपने बात किया कि ये सही होना चाहिए? कहा गया कई बार, सही समय पे मिलते ही नहीं। क्या बोल रहे हैं, क्या बोलिए? पार्षद जी हमारे सही समय पे मिलते ही नहीं, जब घर जाते तो पता चलता है कहीं इधर गए हैं कभी उधर गए हैं। हमको अगर एक सर्टिफिकेट की उनकी जरूरत भी रहती है तो ही पता चलता है कि चार मर्दों के दरवाजे पे दौड़ के जाना पड़ता है। अच्छा ठीक है, आ जाएंगे तो हम बता देंगे, फिर भी जाते हैं तभी नहीं हमारा काम होता है। मतलब कहने का मतलब पूरी तरीके से लापरवाही, लापरवाही एकदम बिल्कुल। इस बार वार्ड में, वार्ड में ना कूड़े की कोई उठाने की कोई व्यवस्था है, ना उसका कोई समय है, कोई व्यवस्था नहीं है। इधर गंदगी पूरे वार्ड में, नाली सड़क आप देख लीजिए पूरे। क्या बोल रहे हैं? विकास तो हुआ है, जो कोई कुछ भी कहे, बिजली से लेकर सड़क पानी तक का अब कोई कुछ भी कहे। और वर्तमान समय में वार्ड नंबर 27 के जो पार्षद है वो विकास किए हैं अपने क्षेत्र में, अब किसी को ना दिखे। विकास किए हैं या नहीं किए ये मतलब नहीं है, मतलब जिस जनता के तौर पे आपने जो समस्या झेली है वो आप बता रहे हैं? नहीं, वो सभासद जी अपने कहा जाता है पार्षद जी से, उसका तुरंत निदान कराते हैं। या अभी आप देखेंगे, अभी एक बरसात अभी हो जाए, अभी उसी बरसात में देखेंगे पानी बरसात, और देखिए कई जगह आप मोहल्ले का देखेंगे कि पानी लग गया है। अगर वही जोरदार अगर बारिश हो जाए तो यही गोरखपुर तालाब बन जाता है और बोट से यहाँ पे नाव से लोगों को जाना पड़ता है। तो बताइए यहाँ पे विकास क्या है? नहर नाला यहाँ पे सही है ना, तो यहाँ के गली मोहल्ले सही हैं, रोड भी यहाँ के वही गड्ढा मुक्त की बात करते हैं, हर जगह देखिए गड्ढा। यही रोड आप देख लीजिए, स्कूल खड़े वहाँ देखिए, गर्ल्स स्कूल है और ये रेलवे फाटक के बगल का स्कूल है। यहाँ पे जब रोड नहीं है और ये मुख्यमंत्री गिरी जनपद मुख्यमंत्री का शहर है, यहाँ पे जब विकास आप नहीं देख सकते तो बाकी जगह की आप कल्पना क्या कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जनता का माहौल और मूड जो है वो कहीं ना कहीं परिवर्तन की तरफ है, परिवर्तन की तरफ पूरा निश्चित है, क्योंकि मोहल्ले में ना मोहल्ला क्लिनिक है, ना किसी पर नाली की समस्या है, ना जनसेवा केंद्र है, ना स्वास्थ्य है, किसी भी प्रकार की कोई चीज़ उपस्थित नहीं है मोहल्ले में। अगर पानी 5 मिनट पानी भर जाता है तो घर में पानी हेलने के लिए समस्या हो जाती है, लगातार लोगों को एकदम पीड़ित है इनसे, ये जीत जाते हैं ना चलते हैं मोहल्ले में ना दिखाई देते हैं। अच्छा, हमारे साथ एक वरिष्ठ व्यक्ति हैं, क्या आपने तो बड़ा करीब से देखा है चीज़ों को, क्या सच्चाई है? नहीं, परेशानियां तो हैं, बहुत हैं परेशानियां तो हैं फिलहाल, तो कहीं ना कहीं परिवर्तन के लिए वोट कर क्या पा रहे हैं? सर, सबसे बड़ा हम लोग का दिक्कत है नाली का। सर, नाली ऐसा है कि अगर उनको मुख्यमंत्री के यहाँ ले बैठा दिया तो वो भी भाग जाएंगे, इतना मच्छर है। और नाली से हम लोग बहुत परेशान हैं, हम लोग नाली शिविर बने नीचे से, नाली कीचड़ हम लोग देखना नहीं चाहते। पच्चीसों सालों से यहाँ का गोरखपुर का अगर बात करें तो मेयर विधायक सांसद बीजेपी ही पार्टी का रहा है, और आप विकास की बात करेंगे गोरखपुर में ही देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने गड्ढे हैं और नालियाँ जो यहाँ पे एकदम बचबचाची रहती हैं, ना साफ सफाई है ना कुछ है, और एकदम समझिए एक तरह ये बस फर्जीवाड़ा। इनका जो रिकॉर्ड आप देखेंगे, फर्जी रिकॉर्ड दिखाते हैं कि हम गोरखपुर में हमने ये विकास कर दिया, वो विकास कर दिया। आपको पता है कि 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, जिसमें से 40% ज़्यादा फाइनेंस गोरखपुर जिले को मिल रहा है। देखिए, इस समय तो मेन की गोरखपुर के मतलब जनपद के ही मुख्यमंत्री जी हैं, तो अब इनको समझ में आ रहा है कि अब गोरखपुर में कुछ काम करना चाहिए, पर अभी भी इनका मतलब 5 साल सरकार बीत चुका है, अभी तक भी आप गोरखपुर के विकास के बारे में बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ बरसात अगर एक भारी आ जाए तो यही तालाब बन जाता है। कहा जाता है कि किसी गायक ने पूछा कि यूपी में काबा, तो बताया गया यूपी में बाबा है, सड़कन का जाल है, तो आपको यह समझ में नहीं आ रहा? इसी से सब हो जाएगा, यूपी में बाबा बने तो बाबा से ही सब कुछ मिल जाएगा, रोटी रोजी रोजगार सब बाबा ही दे रहे हैं। आप देख रहे हैं रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी है बीजेपी सरकार में,
70-70 सालों की ये बात करते हैं, देश की सरकारी कंपनियों को बेचने का ये काम कर रहे हैं, रेलवे को प्राइवेट कर रहे हैं, एयरपोर्ट को प्राइवेट कर रहे हैं, तमाम बीएसएनएल को देखिए डुबाने का काम सबसे बड़ा बीजेपी कर रही है, जियो को हिट कराने के चक्कर में बीएसएनएल को बर्बाद कर दिए, यहाँ हर विभागों को प्राइवेट कर रहे हैं और युवा बेरोजगार घूम रहा है, कोई भी ये भर्तियाँ फाइनल कर नहीं पाते, हर भर्तियों में इनकी धांधली चलती है। देखिए जनता पूरा मूड बना चुकी है, एक इंजन इस चुनाव से फेल हो जाएगा, जो डबल इंजन की जो बात होती है, इंजन की जो बात हो रही थी वो समझ में नहीं आ रहा, एक ही इंजन बड़ा वाला जो इंजन है इस चुनाव को लेकर पूरी तरह से फेल हो गया, बड़ा जब इंजन खराब हो गया तो छोटा इंजन खराब होना ही सुनिश्चित है, और बड़ा इंजन फेल है इस चुनाव को लेकर पूरा फेल है। चलिए ठीक है, ये रहा वार्ड नंबर 27। हाँ क्या व्यवस्था नहीं है वार्ड नंबर 27 में, जटेपुर में कोई भी नाले की व्यवस्था, पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, ठीक है, इसी वजह से हम लोग जो है कुछ परिवर्तन चाह रहे हैं। इस बार जटेपुर की जनता परिवर्तन चाह रही है, क्योंकि इस यहाँ पे बीजेपी के भी पार्षद को देख चुकी है और निर्दल भी पार्षद यहाँ के 3 बार रह चुके हैं, उनको भी देख चुका गया है, अब इस बार जटेपुर की जनता ने साइकिल को चुना है, समाजवादी को यहाँ पे जिता रहा है। वार्ड नंबर 27 का ये एक समीक्षा रहा, जहाँ जनता ने कहा कि निर्दल प्रत्याशियों को भी देखा गया, इसके अलावा जो सरकार में है उनको भी देखा गया, अब इस बार कुछ ना कुछ परिवर्तन करके कुछ नया करेंगे। धन्यवाद।